यूपी में योगी सरकार ने तलाक पीड़ित महिलाओं को पेंशन देने की घोषणा की है, जिससे महिलाओं में अब खुशी की लहर है। योगी सरकार की इस पहल की महिलाएं खूब सराहना कर रही हैं। तलाक पीड़ित महिला योगी सरकार की इस योजना से काफी खुश हैं। कितनी खुश हैं, ये रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश की तलाक पीड़ित महिलाओं को नए साल में पेंशन मिलेगी। ये बड़ा ऐलान यूपी की योगी सरकार ने किया है। ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को नए साल में 6000 रुपए सालाना दिया जाएगा। योगी सरकार की इस योजना का सीधा फायदा कम से कम 10000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये सुन करके कि हमारे मंत्री जी ऐसा हम जैसे बहनों के लिए ऐसा योजना बनाए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम जैसी महिलाएं जो इस तरह से पीड़ित हैं, आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से पीड़ित हैं, और हमारे मंत्री जी ने ये शुरुआत की है, और उम्मीद है कि आगे मतलब इसके बारे में और सोचेंगे। वो बहुत खुशी की बात है कि कुछ तो हम लोगों का मदद हो जाएगा। हमारे बच्चे जो इतना परेशान हैं, कुछ तो कम से कम मदद हो जाएगा। हमारे मंत्री जी ये सोचे हैं, बहुत खुशी की बात है, हम जैसी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। तलाकशुदा हिंदू महिलाओं को भी योगी सरकार आर्थिक मदद देगी और उन्हें भी 6000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। पेंशन पाने के लिए तलाक पीड़ित महिलाओं को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, सिर्फ FIR की कॉपी देनी होगी। ये जो भी ऐलान किया, बहुत अच्छा उन्होंने किया है, क्योंकि जो भी हम लोग को पैसा मिल रहा है, इस पैसे से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, अपने घर में रोजगार डाल सकते हैं, और बहुत मतलब योगी सरकार ने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। इससे काफ़ी आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक हो रही है, और काफ़ी मदद भी हमें इससे मिली है। बहुत अच्छा किया है, उससे हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकते हैं तलाक के बाद भी, और अपने खुद के लिए भी कुछ भी रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो जो भी उन्होंने किया है, मैं इसे यही कहूँगी, बहुत अच्छा किया है। तलाक पीड़ित महिलाओं को सालाना 6000 रुपया मिलेगा। उनके मुकदमे सरकार निशुल्क लड़ेगी। आवास, बच्चों की पढ़ाई और स्कॉलरशिप भी सरकार देगी। आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य कवर देगी सरकार। तलाक पीड़ित महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष योजना भी बनाई जाएगी। शिक्षित महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी सरकार। बीमा योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। मुस्लिम तलाक पीड़ित महिलाओं को वक्फ की संपत्ति में भी लाभ देने की सरकार की योजना है। सरकार की इस योजना को कांग्रेस ढकोसला बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सूबे की सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है, ऐसे में महिलाओं को इस योजना से लाभ कैसे दे पाएगी। उधर BJP तलाक पीड़ित महिलाओं को पेंशन देने की यूपी सरकार की योजना की तारीफ कर रही है। आधी आबादी पर बहुत बुरा असर डालता था, है ना, और एक आधी आबादी पर को प्रताड़ित करने के लिए एक तीन तलाक जैसा शब्द था। कानून के रूप से भी उसे हटाया गया, और ऐसे लोगों को कानूनी मदद भी की जा रही है, और अब साथ में ऐसी प्रताड़ित महिलाओं के लिए आर्थिक भी सालाना मदद 6000 रुपए की जा रही है। सरकार का मतलब यह है कि समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग बराबरी का जीवन व्यतीत करें, इसलिए मुस्लिम महिलाएं जो तीन तलाक से पीड़ित हैं, उन्हें 6000 रुपए वार्षिक मदद देने का शुरुआत की जा रही है, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार, अपने बच्चों को पाल सके और अपनी स्थिति को समाज में रहने लायक बना सके। अब BJP अगर तलाक पीड़ित महिलाओं को 6000 देने की बात कर रही है, तो हमको लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। उन महिलाओं के दिलों से पूछे जिनके घर के आज उनके पुरुष, उनके भाई हैं, उनके पति हैं, आज जेलों में बंद हैं, उनको अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उन हिंदू महिलाओं से पूछिए जो रोज़ाना आत्महत्या कर रही हैं, बदन में आग लगाती हैं, जल जाती हैं, जिनके साथ लगातार शोषण की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार होते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, उन महिलाओं की भी सुध लेनी चाहिए सरकार को। अगर ऐसा नहीं करती है, समग्रता में नहीं करती है, तो यही माना जाएगा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ ढकोसला कर रही है, ये किसी के साथ न्याय नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने तीन तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को खुशी दी थी, उसी तरह यूपी सरकार राज्य में तलाक पीड़ित महिलाओं को पेंशन देकर तलाक पीड़ित महिलाओं की जिंदगी सुधारने और उनको बेहतरीन जिंदगी जीने की सुविधा दे रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि सिर्फ 500 रुपए महीने से महिलाओं का गुजारा कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RRN TV।